नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ। मैं हूं ललित प्रजापति। लोकसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं, चौथे चरण की लड़ाई अभी बाकी है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर 13 मई को वोटिंग होनी है। दिग्गजों की किस्मत का फैसला जनता अपने मताधिकार के जरिए करेगी। नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उससे पहले हम बीते चुनाव वोटिंग परसेंटेज से ट्रेंड्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जनता किसके साथ हो सकती है। साथ ही हम पूरी सियासत आपके लिए डिकोड करते हैं, इतिहास आपको इसलिए बताते हैं क्योंकि आज भाग्य विधाता आप हैं, आज के भगवान आप हैं, और भगवान को जानकारी होनी चाहिए कि वो किसे चुन रहा है। यही वजह है कि हम लगातार हर सीट का एक स्पेशल डिकोड आपके लिए लेकर आते हैं। रतलाम लोकसभा सीट, इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। पहले यह झाबुआ हुआ करती थी, उसके बाद रतलाम इसमें नाम जुड़ गया। रतलाम लोकसभा सीट में 13 मई को वोटिंग होनी है। बहुत खाने पिलाने, बहुत मोहब्बत का शहर ये सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, लेकिन 2014 के बाद से यहां पर ट्रेंड बदल गया। 2014 में मोदी लहर में बीजेपी ने कांग्रेस के किले को ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए दिलीप सिंह भूरिया ने जीत दर्ज की। बीते चुनाव के वोटिंग परसेंटेज 2024 के राजनीतिक समीकरण को लेकर क्या कहते हैं, आज इसे समझेंगे। खास मेहमान में जो चर्चा होगी उसमें खास मेहमान भी शामिल होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हिस्ट्री से वाकिफ करवा देते हैं। बीते चुनाव के वोटिंग परसेंटेज क्या रहे, उनके ट्रेंड्स क्या रहे, जीत का गणित किस तरीके से रहा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के साथ जीत का मार्जिन किस तरह से गया, ये सब आपको जरूर जरूर समझ लेना चाहिए। रतलाम झाबुआ जो सीट है बहुत दिलचस्प है, ये जानकारी की खिड़की अब खुल चुकी है। वोटिंग परसेंटेज रतलाम लोकसभा 2009 में 50.93%, 2014 में 63.59%, ये घनघोर एंटी इनकम्बेंसी का दौर था केंद्र सरकार के लिहाज से। 2019 भावनाएं एकदम उफान पर थी, 75.70% यहां का नतीजा गया। ये है वोटिंग परसेंटेज पिछले 3 चुनाव के, जब से की स्थितियां बदली हैं। अब जीत के मार्जिन को समझ लीजिए। 2009 में जीत का मार्जिन हुआ 57,000 से ज्यादा, 2014 में 1,00,000 से ज्यादा, 2019 में फिर यह मार्जिन गिरता है, 90,636 जीत का मार्जिन यहां पर आ जाता है। ये स्थितियां बनती है 2009, 2014 और 2019 में। 2024 के मुहाने पर आप खड़े हुए हैं। अब वोटिंग परसेंटेज और जीत का मार्जिन एक स्क्रीन पर समझिए। 2009 में वोट पड़ते हैं 50% से ज्यादा, जीत का मार्जिन 57,000, कांग्रेस के खाते में सीट जाती है। 2014 में 63% से ज्यादा, 1,00,000 जीत का मार्जिन, बीजेपी के खाते में सीट। इसी तरह 2019 में 75% से ज्यादा वोटिंग, जीत का मार्जिन लेकिन घटता है 90,000। यहां दरअसल राजनेता, यानी जब चेहरे पर ट्रेंड होने लगता है चुनाव, चेहरे को ज्यादा फोकस कर दिया जाता है, तब इस तरीके के परिणाम निकल कर आते हैं। रतलाम लोकसभा सीट की स्थितियां, वोट परसेंटेज हमने आपको बताया, जीत का मार्जिन हमने आपको बता दिया किस तरीके से यह रहा है। अब वोट शेयर जान लीजिए, कब किसको किसके हिस्से क्या आया। 2014 में बीजेपी के खाते में 50%, कांग्रेस के खाते में 40% से ज्यादा वोट, अंतर 10। 2019 में बीजेपी के खाते में 49%, कांग्रेस के खाते में 43%, अंतर 6। देख रहे हैं आप किस तरीके से तब्दीलियां हुई हैं, और यही वजह है कि इस बार के जो परिणाम रहेंगे, इस बार आप जिसको जनादेश देंगे वो बड़ा मायने रखेगा। अगर आप इस लिहाज से समझें, जीत के अंतर के लिहाज को समझें, वोटिंग परसेंटेज को अगर आप बहुत गहराई से जानते हैं, उम्मीदें दोनों राजनीतिक दलों की बढ़ी हुई होती हैं। यही वजह है कि यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। रतलाम सीट की हम लगातार बात कर रहे हैं। यह आपने देख लिया किस तरीके से कांतिलाल भूरिया, जीत का मार्जिन 88,000, कांग्रेस की जीत, वोटिंग 61%। 2015 यह दरअसल एक उपचुनाव की स्थितियां भी बनी थी यहां पर, वो उपचुनाव की स्थितियां भी आपको बता देनी जरूरी है। कांतिलाल भूरिया तब जीते थे 88,000 के मार्जिन से, 50% वोट शेयर कांग्रेस के पास गया था, और कांतिलाल भूरिया इस बार भी मैदान में है। कांतिलाल भूरिया बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं। मुकाबला कुछ इस तरीके से है। अनीता नागर चौहान बहुत एक्टिव रही हैं, इनके जो पति हैं वो दरअसल मंत्री हैं, उन पर एंटी इनकम्बेंसी और इस तरह के आरोप भी बीच में लगे। कांतिलाल भूरिया दिग्गज नेता, बेटे विक्रांत भूरिया कमान संभाल रहे हैं। अब एक और दिलचस्प बात, आप लोगों के लिए मूली मूली होती है, पर सियासत वालों के लिए मूली दरअसल डायलॉग का सबब है। विक्रांत भूरिया और इनके जो पति हैं उनके बीच आजकल मूली वॉर चला हुआ है। एक कह रहे हैं किस खेत की मूली है मैं बता दूंगा, दूसरे कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैंने बड़ी बड़ी सर्जरियां की हैं और किसी का भी मैं इलाज कर सकता हूं। अब रतलाम सीट को फटाफट वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों की नजरों से समझ लेते हैं।
शरद जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। प्रदीप जोशी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बारी बारी से हम चीज़ों को समझेंगे। रतलाम झाबुआ सीट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप सर, आपके पास मैं आ जाना चाहूँगा। हमने वोटिंग परसेंटेज दिखाएं, किस तरीके का ट्रेंड्स रहा ये दिखाएं, अब रतलाम झाबुआ पर आपका एक एक्सपर्ट कमेंट सर। दोनों तरफ मैं आपको रोकना चाहूंगा प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, हमारी टीम कोशिश कर रही है। शरद जोशी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शरद सर, रतलाम झाबुआ पर आपका एक्सपर्ट कमेंट, जीत के मार्जिन यहां 80-88 हज़ार के आसपास अगर हो तो दोनों पार्टियों को उम्मीद ज्यादा होती है। शरद सर, सर इस संसदीय क्षेत्र में देखा जाए तो टक्कर बराबरी की है, क्योंकि अनिता नागर सिंह चौहान नई कैंडिडेट है और कांतिलाल भूरिया यहाँ के जमीनी नेता रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से नेतृत्व कर रहे हैं। और अनिता नागर सिंह चौहान का जो क्षेत्र है वो अलीराजपुर का है और श्री कांतिलाल भूरिया पूरे संसदीय क्षेत्र में घूमे फिरे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, वर्षों तक सांसद भी रहे हैं। ऐसे में इनकी जो पकड़ है तुलनात्मक दृष्टि से अधिक है जी। केवल मोदी जी के नाम का भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी यदि यहाँ प्लस होती है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मोदी जी को जाएगा, क्योंकि गुजरात की सीमा झाबुआ हाँ। जिले से लगी है और गुजरात का काफ़ी प्रभाव झाबुआ इलाके में है, इसलिए इनको लाभ मिल सकता है जी। ये आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ करीबन 50-60 देखा कि ज्यादातर लोग इलाज के लिए, बड़े इलाज के लिए, बड़ी सर्जरी के लिए गुजरात जाना प्रेफर करते हैं। हाँ शरद सर, आप कुछ कह रहे थे, शॉर्ट कमेंट, फिर प्रदीप सर के पास जाना है मुझे। जी जी, इसमें एक ये भी है कि यहाँ करीबन 50-60% मतदाता पलायन कर गए हैं जी, पलायन कर मजदूरी के लिए गुजरात जाते हैं। और पिछले दिनों कलेक्टर साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम उन ठेकेदारों के माध्यम से मजदूरों को वापस बुलवाएंगे ताकि वो मतदान कर सके और मतदान का प्रतिशत बढ़ सके। लेकिन लगता नहीं है कि जैसे गुजरात में 55% के आसपास मतदान हुआ है और इस बेल्ट में भी 13 तारीख को चुनाव है जी। और उम्मीद की जाती है कि 55-60% से ज्यादा मतदान नहीं होगा। अब इस मतदान का लाभ किसको मिलेगा ये कुछ कह नहीं सकते। ठीक। प्रदीप जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप सर, आवाज आपको क्लियर आ रही हो, रतलाम झाबुआ आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन। हाँ जी जी, पिछले अगर 3 चुनाव के आपने जो ट्रेंड दिखाए हैं उसमें एक चीज और भी निकल के आ रही है कि यहां पर मुद्दे जो हैं वो ज्यादा हावी नहीं होते हैं बनिस्बत चेहरे के, जो स्थानीय चेहरे हैं। कांतिलाल भूरिया का अपना एक राजनीतिक वजूद है, वो राजनीति के पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं हाँ। और सामने नागर सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता हैं जो सूबे में एक बहुत बड़ा असर भी रखते हैं अपना। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 3 मंत्री, नागर सिंह चौहान, निर्मला भूरिया और चैतन्य काश्यप, ये 3 लोगों के हाथ में सिर्फ 1 सीट की कमान है। और रतलाम झाबुआ और अलीराजपुर 3 जिले को मिलाकर ये संसदीय क्षेत्र बना है। अब बात विधानसभा चुनाव की, अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव 23 में हुए हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिली है और कांग्रेस को 4 और 1 सीट निर्दलीय सेलाना की सीट जो है कमलेश्वर डोडा, बड़े चर्चा में भी रहते हैं, वहां से चुनाव जीते हैं। तो ये वोटिंग अब जिस तरीके की तलखियां जो आ रही है भाषणों में, नेताओं के बयानों में, तो ये तलखियां चुनाव तक और गहराएगी जी। और चुनाव दोनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, कांतिलाल भूरिया जी के लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि उनके भी उत्तरार्ध का ही राजनीतिक उत्तरार्ध का चुनाव है। और नागर सिंह चौहान जी के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि काफी उम्मीद के साथ में जी उनकी पत्नी अनिता चौहान को
जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। ठीक ठीक ठीक, आप लगातार हमारे साथ बने रहेगा। अभी हम उज्जैन के बारे में डिटेल अपने दर्शकों को बताएंगे, उज्जैन को डिकोड करेंगे और फिर हम आपके पास आएंगे। उज्जैन सीट एक ऐसी, बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं जिसमें हम मान के चलते हैं कि फला फला फला, लेकिन फिर भी आपको जानकारी हर एक चीज की रखनी चाहिए। हिस्ट्री की जानकारी रखेंगे तभी तो अपने वर्तमान के सारे भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। उज्जैन लोकसभा सीट की बात कर ली जाए, एक खास बात और भी है, उज्जैन की, उज्जैन आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र भी है, इस वजह से ज्यादा दबाव यहां पर राजनीतिक पार्टियों पर है, खासतौर पर बीजेपी। हिस्ट्री समझ लीजिए, 2009 53% उज्जैन लोकसभा का, 2014 66% वेव, 2019 जज्बातों का उबाल था, 75% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हुई है। ये वोटिंग परसेंटेज है। शुरुआत में हालांकि इस पर कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन जनसंघ और जनता पार्टी के बाद जो सिलसिला बीजेपी ने बनाया एक मजबूत गढ़ में इसे तब्दील कर दिया। ट्रेंड समझ लीजिए, जीत का मार्जिन समझिए, 2009 में 15,841, लेकिन तब स्थितियां कुछ अलग थी। 2014 300,000 से ज्यादा जीत का मार्जिन, 2019 365,000 से ज्यादा जीत का मार्जिन। ये जीत का मार्जिन है ट्रेंड्स के हिसाब से, जो 2009 2014 और 2019 में, एक ये जो 2009 आपको दिख रहा है खाते में, इसकी दरअसल स्थितियां अलग हैं। खैर, नया आ गया वोट परसेंटेज और जीत का मार्जिन एक स्क्रीन पर आपके सामने। 2009 3% 15,000 जीत का मार्जिन, जो बहुत ज्यादा नहीं माना जाता लोकसभा के लिहाज से। 2014 66% 300,000 से ज्यादा जीत का मार्जिन। 2019 75% 300,000 से ज्यादा, ये करीब करीब 400,000 के पास पहुंचता है। तो इस मार्जिन को मेंटेन करने की बात दरअसल है, और यही वजह है कि पार्टियां जोर लगा रही हैं। 2009 के अब किसको कितना वोट शेयर है वो समझ लीजिए। 2014 में 63% वोट बीजेपी के खाते में, 32% कांग्रेस के खाते में, अंतर है 30% से ज्यादा का। 2019 में 34% कांग्रेस के पास, 63% बीजेपी के खाते में, और 29% के आसपास का अंतर है, बहुत मार्जिनल यहां पर जो वोट शेयर था वो इधर से उधर शिफ्ट हुआ है। पर जैसा कि मैंने कहा कि ये मुख्यमंत्री की सीट है, कभी कभी जीत से ज्यादा लीड का मसला हो जाता है। चेहरे कौन कौन है वो जान लीजिए। अनिल फिरोजिया यहां से रिपीट हुए हैं, महेश परमार विधायक हैं, उन्हें मौका दिया गया। कांग्रेस ने ट्रेंड किया है कि जो उनके विधायक हैं जिन्होंने बेहतर किया उन्हें कई जगहों से मौका दिया गया है। अनिल फिरोजिया, महेश परमार, ये बनाम की लड़ाई इस तरह है। बेहद खास मेहमान शरद जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदीप जोशी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब प्रदीप जोशी सर, आपके पास मैं आना चाह रहा हूँ। उज्जैन की हमने स्थितियाँ बताई हैं, परमार बनाम फिरोजिया की लड़ाई है, फिरोजिया रिपीट हैं, पिछली बार का मार्जिन 300,000 से ज़्यादा, तकरीबन 400,000। अब आपका एक्सपर्ट कमेंट उज्जैन को लेकर। रिजर्व जब सीट हुई 67 में, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का यह गढ़ बन के रह गई है। सिर्फ दो बार 1984 में और 2009 में, पहले 84 में सत्यनारायण पवार और 2009 में प्रेमचंद गुड्डू यहां से चुनाव जीते, तो दो बार कांग्रेस के खाते में ये सीट गई है। बाकी इस सीट के ऊपर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। और बात अनिल फिरोजिया और महेश परमार की करें तो उज्जैन में महेश परमार जी से अच्छा चेहरा और मजबूत लड़ने वाला जुझारू चेहरा कांग्रेस के पास नहीं था। दोनों परंपरागत प्रतिद्वंद्वी हैं, तराना सीट के ऊपर दोनों विधानसभा लड़ चुके हैं। अनिल महेश परमार ने पिछला चुनाव विधानसभा का अनिल फिरोजिया जी को हराया था तराना में, फिर उन्हें सांसद का टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी से और वो अच्छे मतों से चुनाव जीते। ठीक, पिछला चुनाव की लीड जो है वो करीब 4,50,000 वोटों की है। हाँ। फिरोजिया जी की इस लीड को पाटना एक सबसे बड़ी चुनौती महेश परमार जी के सामने है। हालांकि उन्होंने पिछला महापौर का चुनाव लड़ा था, वो बहुत कम अंतर से वो चुनाव हारे, महज 1,200 वोट की उनकी हार जीत थी। ठीक। तो शहरी क्षेत्र में भी एक अच्छा पहचान है उनकी और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी अच्छा प्रभुत्व रखते हैं, तो निश्चित रूप से मुकाबला तो है, पर सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने इतने बड़े वोट के अंतर को पाटना है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की चुनौती अनिल फिरोजिया जी के सामने और पूरी भाजपा संगठन के सामने है कि जैसा हीट वेव चल रही है और वोटिंग परसेंटेज डाउन जा रहा है तो उससे कहीं लीड घट ना जाए। भारतीय जनता पार्टी की यह है कि लीड कम बढ़े ना, तो कम से कम 4,50,000 की वोटों की जो लीड है हाँ। उस पर तो इस पार्टी स्टैंड रखे। ठीक ठीक, शरद जोशी सर,
एक शब्द नया आया है आजकल, परफॉर्मेंस पॉलिटिक्स, और उसी के चलते आपको अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करते रहना है। तकरीबन 4.25 लाख की लीड, फिरोजिया फिर से मैदान में, बहुत सारे दिग्गज मैदान में हैं, और दबाव ये कि मुख्यमंत्री इसी इलाके से आते हैं। हालांकि जब सिलेक्शन हो रहा था तब कुछ और नाम भी हमने सुने जो डॉक्टर मोहन यादव के बड़े करीबी हैं, अब उनका जनाधार है नहीं है, उन सब बातों पर बात नहीं करनी है। इन सब परिस्थितियों के बीच शरद सर, आपका एक्सपर्ट कमेंट उज्जैन को लेकर। रतलाम जिला जो है 3 संसदीय क्षेत्रों में बटा हुआ है, उसमें रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र उज्जैन संसदीय क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ठीक। और आलोट क्षेत्र में अक्सर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयी रहे हैं, केवल 2 या 3 बार कांग्रेस को यहां सफलता मिली है, क्योंकि थावरचंद गहलोत अब केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और यहाँ के विधायक भी रहे हैं, राज्यपाल भी, उन्होंने आलोट क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य किए हैं। और उज्जैन संसदीय क्षेत्र वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, आरएसएस का गढ़ रहा है, इसलिए ऐसा उम्मीद की जा रही है कि इस क्षेत्र में लीड बढ़ेगी कम होने के बजाय, क्योंकि मोहन यादव जी उसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उज्जैन संसदीय क्षेत्र और उज्जैन इनका गढ़ है, और इन्होंने अभी काफ़ी काम भी कराए हैं, इसलिए सबसे अधिक वोटों से अगर किसी की जीत होगी तो फिरोजिया जी की जीत होगी, ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है। क्योंकि विकास की गंगा अगर बह रही है तो पूरा उज्जैन संसदीय क्षेत्र में, विशेषकर आलोट जिले में भी काफी काम हुए हैं, और हमें उम्मीद की हमें उम्मीद है कि कम से कम फिरोजिया जी जीते भी हैं, उनसे रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे इस बार। जी, रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। प्रदीप सर, एक शॉर्ट सवाल को लेकर मैं आ रहा हूँ। मूर्तियां बनाई गई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की, वो हवा नहीं झेल पाई, और मेरा ख्याल अब तीसरी बार फिर से मूर्तियां बनाई जानी है जी। एक बात, दूसरी बात, जब भी डेवलपमेंट होता है तो बहुत सारे लोगों का फायदा और कुछ लोगों का नुकसान भी होता है, फैक्टर नंबर 2। और तीसरा, क्या कांग्रेस खाई को पाटने के लिए मैदान में उतरी हुई है? जी प्रदीप सर। जी, कांग्रेस निश्चित रूप से, मतलब जो आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये वोटों की जो अंतर है इसको पाटना कांग्रेस की चुनौती है, और ये ही एक मूल उद्देश्य को लेकर पूरी पार्टी महेश परमार जी के साथ में एकजुट है। दूसरा, कि जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था मूल में, उज्जैन के मूल में कांग्रेस को महाकाल मंदिर के सौंदर्यीकरण में, उसके महाकाल पथ के निर्माण में जो चीजें उठी, जितनी बातें मीडिया ने उठाई उतनी बातें कांग्रेस ने नहीं उठाई। दूसरा, शिप्रा जी के जीर्णोद्धार का और शुद्धिकरण का बीते 2 दशक से ये बातें हो रही है, शिप्रा जी का पानी आचमन के लायक भी नहीं बचा है, और सिंहस्थ जैसे पर्व पर भी पानी को रोक कर एक अस्थायी व्यवस्था है शाही स्नान के और पर्व स्नान के लिए करना पड़ती है। ये सबसे बड़ा फेलुअर है और ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, कि ये जो धर्म नगरी है, इस धर्म नगरी के धर्म के और रास्ता के प्रतीकों पर कोई आघात ना पहुंचे, पर कांग्रेस इन मुद्दों को उठाने में हमेशा नाकाम रही है, और जनता में इस बात का आक्रोश भी है, और जो लड़ाई मीडिया लड़ रही है जनता की, वो लड़ाई कांग्रेस लड़ने में नाकाम साबित, विपक्ष कहीं नजर नहीं आता। ये खैर हमने कई बार महसूस किया है, लोग इस वजह से भी नाउम्मीद है कि विपक्ष दरअसल है कहां। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत आसान तरीके से आपने सीटों को डिकोड किया, और आज जो शरद जोशी और प्रदीप जोशी ने कहा है उसे आपको क्यों समझ लेना चाहिए। मैं इस वजह से बार बार आपके दिमाग पर यह बात क्लियर करता हूं कि यही जब हम 4 जून को इस हार जीत को लेकर चर्चा चल रही होगी, तो ये जो डिस्कशन है ये आपको बेहतर समझ प्रोवाइड करेगा, आज के लिए नहीं, बहुत आगे भविष्य के लिए भी। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।